दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षकों की नई वैकेंसीज को लेकर। तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है रिक्त पद भर लिखे हैं यहाँ पर बताया गया है, और इसमें जो है आज शिक्षा मंत्री के द्वारा एक और जो है अपडेट जारी करा गया है। कहा गया है कि यहाँ पर जो है LTA प्रवक्ता जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों पर जो है अति शीघ्र भर्ती जो है शुरू करने को लेकर जो है एक अपडेट जारी करा है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि रिक्त पदों को भरने के भी यहाँ पर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर धनसिंह रावत ने कहा है जितने भी आपके उच्च शिक्षा है, स्वास्थ्य है और विद्यालय शिक्षा, यानी कि आपका जो है LTA प्रवक्ता है, कई लंबे समय से बताया गया कि यहाँ पर रिक्त पद लिखे विभाग में, इनमें रिक्त पदों की सूची भी यहाँ पर तैयार करने के साथ, क्योंकि तैयार करने की जो लिस्ट है ऑलरेडी यहाँ पर विभाग द्वारा ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, और साथ में ये भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए कहा है। एक तो लिस्ट तैयार करने की बात कही कि लिस्ट तैयार करने को लेकर ऑलरेडी ऑफिशियल अपडेट आपको जारी हो चुके हैं, उसकी लिस्ट भी मैंने आपको बता दी थी चमोली जनपद की जो हमारे पास आई हुई थी लिस्ट, उसमें कितने शिक्षक खाली थे वो आपको मैंने बता दिया था, वो प्रक्रिया भी चली हुई है, ठीक है। और इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी तो ही भर्ती आ पाएंगी। अगर ये प्रक्रिया रुक जाती है तो आपकी भर्ती समय रुक जाएगी, क्योंकि आदेश तो ऑलरेडी कई बार शिक्षा मंत्री ने कर दिए गए हैं, शिक्षा विभाग में भी कई बार आदेश हो चुके, लेकिन फाइलें कई बार दब जाती है तो इस वजह से भर्ती आपकी नहीं आ पाती है। और इसके साथ यहाँ जो है कहा गया है कि सभी विभागीय जो अधिकारी हैं उनको पात्रता कार्मिक जो स्थानांतरण सूची तैयार करने की और पदोन्नति के पद भरने को लेकर भी निर्देश जारी जारी करें यहाँ पर, क्योंकि ये पदोन्नत वाले हैं, और साथ में आपका जो जो ट्रांसफर स्थानांतरण वाले हैं वो उनकी लिस्ट तो हो ही चुकी है जा रही है अभी हाल ही में, साथ ही आप जो रिक्त पद हैं उनकी लिस्ट भी आपकी हो चुकी है जा रही विभाग पर, और उन पर जो है जो अध्याचना बनने हैं उसके बाद ही भर्ती आपकी प्रोसेस होनी है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जितने भी पद रिक्त हैं उनको भरने के निर्देश यहाँ पर ऑलरेडी जारी कर दिए हैं, पहले भी दिए थे, अब कितनी जल्दी भरते हैं शिक्षा विभाग वाले, कितना काम करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो बार बार कहीं आदेश जारी करते हैं और लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग अपना आदेश नहीं मान पा रहा है, क्योंकि यह शिक्षा मंत्री के आदेश अवहेलना करी जा रही, क्योंकि यहाँ पर ये पद भरने की बात ऑलरेडी शिक्षा मंत्री कही गई है उसके बावजूद भी नहीं भरे गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फिर से यहाँ पर जो है भरने के निर्देश तो जारी कर देंगे हैं, क्या कब तक आ पाएगी, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अध्याचन बनने बाकी हैं, जैसे LTA की भर्ती है कितना समय लग सकता है अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रवक्ता की जो पेंडिंग में है पुराने वाला जो अभी 774 के गर्भिन वो ही पेंडिंग में है, उसके निर्देश भी CM ने जारी काफ़ी पहले जारी कर दिए हैं, विभाग से भी पता करा हमने, उसने भी कहा कि हमने जो है संस्तुति भेजने की बात पूरी पूरी कर रहे हैं जल्द जल्द, और उसके बाद हो सकता है कि जून तक अगले महीने तक क्या पता इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है प्रवक्ता वाला, ठीक है। LTA वाला तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस पर प्रक्रिया चली हुई है, अब देखते हैं प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच पाती है।